सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी शेयर किया जा रहा है। जी हिंदुस्तान से जुड़े पत्रकार तुषार श्रीवास्तव ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए दावा किया कि मिर्जापुर में अब्दुल ने कचरा फेंकने से मना करने पर हिंदू परिवार की महिलाओं पर जानलेवा हमला किया। तुषार श्रीवास्तव की ट्वीट को यूपी भाजपा के प्रवक्ता प्रशांत पटेल उमराव ने को ट्वीट किया है। सुदर्शन न्यूज से जुड़े पत्रकार सागर कुमार ने भी ये वीडियो इसी दावे के साथ ट्वीट किया। इसके अलावा फेसबुक से लेकर ट्विटर तक ये वीडियो इसी दावे के साथ वायरल है। तो क्या वाकई में कूड़ा फेंकने से मना करने पर मुस्लिम लड़के ने हिंदू महिलाओं पर हमला किया? वीडियो गौर से देखने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि घायल महिला वीडियो में अल्लाह अल्लाह चिल्लाती है। आगे मिर्जापुर पुलिस ने इस घटना की सच्चाई बताते हुए ये कहा। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि ये घटना जो है 16 जनवरी की है, बहुत पुरानी है, लगभग 2 से 2.5 महीने या 3 महीने के आसपास हो रहा है। और इसमें अविलंब मुकदमा दर्ज किया गया था, उसी तिथि के 17 तारीख को ही मुकदमा दर्ज हो गया था। इसमें बाद में एक और अभियोग दर्ज हुआ जब उसको धमका रहे थे महिला को, तो 2 अभियोग इसमें दर्ज किए गए हैं। और ये लाल डिग्गी चौकी पड़ती है हमारी कटरा थाना में, जनपद मिर्जापुर में उसका मामला है। और दोनों एक ही समुदाय के लोग हैं, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, दोनों एक ही समुदाय के हैं। और कूड़ा फेंकने को लेकर के झगड़ा हुआ था, जिसमें सरिया से वो एक व्यक्ति है सलमान नाम का, वो जो है एक महिला को जो अपने ही परिवार की है, वो विपक्षी कह सकते हैं या प्रतिवादी कह सकते हैं, उसको मारने के लिए दौड़ा रहा है। अभी हमारे जो इसमें जो मीडिया सेल प्रभारी होता है उससे मेरी बात भी हुई है कि पता करिए कि ट्वीट किसने किया है। और पहली बात, एकदम से गलत बात है ये कि दोनों अलग अलग समुदाय के हैं, दोनों एक ही समुदाय मुस्लिम हैं दोनों पक्ष, और दोनों आपस में कूड़ा फेंकने को झगड़ा हुआ था। इसलिए जो ट्रेंड हो रहा है, जो बता रहे हैं आप, ट्वीट हुआ है, उस ट्वीट के बारे में मुझे इतने कहना है कि उस ट्वीट करने वाले आदमी को जिसने गलत अफवाह या रूमर मंगरिंग का प्रयास किया है या माहौल खराब करने का प्रयास किया है, उसके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। बस हाँ, उसका पता और आईडी हम लोग पता कर रहे हैं। दैनिक जागरण की 17 जनवरी 2022 की रिपोर्ट में बताया गया है कि कटरा थाना क्षेत्र के इमामबाड़ा मोहल्ले में कूड़ा फेंकने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। इस दौरान एक युवक ने लोहे की रॉड से महिला पर हमला कर दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। दैनिक भास्कर ने पीड़िता नसरीन बेगम के हवाले से बताया था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका मकान बन रहा था और वो अपनी 5 बेटियों के साथ मदरसे में ही रह रही थी। सीढ़ियों से उतरते वक्त एक महिला के साथ उनकी बहस हो गई। दूसरी महिला की आवाज सुनने के बाद वहां 2 लड़के पहुंचे और पीड़िता और उसकी 2 बेटियों को मारने लगे। ऑल्ट न्यूज ने कटरा थाना के एसओ राजेश कुमार से भी बात की। उन्होंने कहा कि यह घटना 16 जनवरी की है और इस मामले में आरोपी और पीड़िता दोनों एक ही समुदाय से है। पीड़ित महिला का नाम पुलिस ने नसरीन बेगम बताया, वहीं आरोपियों में से एक का नाम बाबा उर्फ सलमान बताया। कुल मिलाकर मिर्जापुर में कूड़ा फेंकने को लेकर 2 परिवारों के बीच झगड़ा हुआ था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर झूठे सांप्रदायिक एंगल के साथ शेयर किया गया और ऐसा करने वालों में पत्रकार भी शामिल थे।